टीवी सीरियल मेरी आशिकी तुमसे ही से अपने करियर की शुरुआत करने वाली राधिका मदान बड़े पर्दे पर अपना अच्छा खासा नाम कमा चुकी हैं। फिल्म पटाखा, मर्द को दर्द नहीं होता, अंग्रेजी मीडियम, शिद्दत और कुत्ते फिल्म करने के बाद अब राधिका मदान छोटे पर्दे को लेकर अपने दिए गए बयान के चलते वो कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गई है। राधिका मदान के इस बयान पर सीरियल इमली की शिवानी बुआ यानी कि हेतल का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, एक जगह से तरक्की करके आगे जाने के बाद में उस जगह की खामियां निकालने लगते हैं। फिल्म में जा चुकी है तो डेफिनेटली वो पीछे पलटकर जब टीवी को देखती है तो सोचती है कि यहाँ हमें कोई स्कोप ही नहीं है एज एन एक्टर। राधिका इज नॉट राइट बट शी इज नॉट रॉन्ग। लेकिन मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा है जो फिल्मों में जाने के बाद में डेफिनेटली कमियां निकालते हैं टीवी इंडस्ट्री की। एक कहावत सुनी होगी आप सबने भी कि हम जब तरक्की कर लेते हैं तो आप जहां से आपने शुरुआत की है उस दिन को, उस जगह को कभी मत भूलना। तो मैं यही उसे भी कहना चाहूँगी कि टीवी आज एक बहुत बड़ा मीडियम है और इनफैक्ट बड़े बड़े सुपरस्टार्स अगर अपनी फिल्मों को प्रमोट करना चाहते हैं तो वो कहाँ पर आते हैं, वो टीवी पर ही आते हैं। तो वो सोचिए अगर पठान जैसी फिल्म है या कोई भी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, देख लीजिए आप, तो जितने भी टॉप के शोज हैं जो टीवी पर चल रहे हैं, या तो आप बिग बॉस ले लीजिए, कपिल शर्मा देख लीजिए, ये सब टीवी का ही मीडियम है। इनफैक्ट अनुपमा है या हमारा शो इमली है, तो यहीं पे आके लोग अपने मूवी को प्रमोट करते हैं। तो आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट एंड अप्रिशिएट टीवी इंडस्ट्री एंड द डेफिनेटली द ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ टीवी इंडस्ट्री। एंड राधिका को यही कहूँगी कि टीवी हैज़ यू गिवन यू नेम, फ्रॉम टीवी यू हैव been promoted to films, so appreciate that, that's all. देखिए यस, मुझे काफ़ी साल हो गए टीवी करते करते और आप लोगों को पता ही है कि मेरी शुरुआत फिल्मों से रही है और अब काफ़ी साल से मैं टीवी कर रही हूँ। तो मुझे दोनों साइड के ना जो काम करने के एक्सपीरियंस होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से पता है। तो और हर दोनों तरफ के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं। जैसे फिल्मों में एक बजट होता है, फिल्मों में बहुत टाइम होता है। जैसे मैंने को प्रोड्यूस भी की है फिल्म, तो मैंने उसमें भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो फिल्म, जो शूटिंग पार्ट होता है फिल्म का, दैट इज़ आई थिंक ओनली 20 or 15% ऑफ द जॉब। इसका मेजर वर्क जो होता है वो एक्चुअली प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है। तो फिल्मों को बहुत टाइम देकर बनाया जाता है, वहाँ टाइम होता है, बजट होता है एंड वहाँ पे मौके होते हैं, अगर कुछ ठीक से नहीं हो तो रीशूट कर दो। तो फिल्में डेफिनेटली आपके लिए इट्स लाइक अ बिग कैनवास एज एन एक्टर एंड यू हैव टाइम एंड अपॉर्चुनिटी टू कीप डूइंग बेटर एंड बेटर। अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है इन एवरी सेक्टर, जैसे स्क्रिप्ट भी हो गई, जैसे स्क्रिप्ट भी लिखते हैं तो वो स्क्रिप्ट एक बार में अप्रूव नहीं होती है, उसमें भी काफ़ी बार इम्प्रोवाइज किया जाता है, रीराइट होती है स्क्रिप्ट, तो इसीलिए वो फिल्म है। टीवी में ऐसा नहीं है क्योंकि टीवी इज अ मीडियम फॉर जैसे होम मेकर्स हैं या छोटे गांव के लोग हैं, इवन मेट्रो सिटीज़ में भी टीवी बहुत देखा जाता है, लेकिन कंपेयर टू रूरल एरियाज इतना नहीं है। और हमारी मेजर ऑडियंस है होम मेकर्स, नानी, दादी, माएँ, ये सब ऑडियंस है हमारे। तो ये रोज़ अपनी लाइफ में काम करते करते, ये लोग रोज़ थिएटर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इनके लिए सबसे बेस्ट अपने आप को एंटरटेन करना इज टीवी। अब टीवी में भी हम कोई कोई शोज हफ्ते में 6 दिन टेलीकास्ट होते हैं, कुछ कुछ 7 दिन। अब रोज टेलीकास्ट होता है तो आप रोज क्या करोगे? तो आप, मैं तो अप्रिशिएट करूंगी कि रोज एक नया ड्रामा, नया ट्विस्ट लाना। और 24/7 टीम काम करती है, हम तो एक्टर 12 घंटे शूट कर लेते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन टीम होती है, जो क्रिएटिव्स होते हैं, ये लोग अगली कल की क्या स्टोरी होगी या एक हफ्ते बाद की क्या स्टोरी होगी उस पर भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो फॉर देम इट्स लाइक 24/7 जॉब। और अगर इतना टाइम देने के बाद में चीज़ें ये लोग कर रहे हो, तो आई थिंक एवरीवन शुड अप्रिशिएट दिस। एटलीस्ट आई अप्रिशिएट इट बिकॉज फिल्मों में, जैसे मैंने कहा, टाइम है, टीवी में टाइम नहीं होता है। एंड यस, आई एग्री, काफ़ी बार ऐसा, हर बार नहीं होता कि लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट आती है, कभी कभार हो जाता है ऐसा। कुछ कुछ शोज में डेफिनेटली होता होगा कि ज़्यादातर लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट आती होंगी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग हमारा शो देखते होंगे, जितने भी टीवी शोज देखते होंगे, कोई ये नहीं कह सकता कि ये लास्ट मिनट वाला काम है। तो इतने ब्रिलियंटली विथ ऑल लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड थिंग, अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं
तो आई थिंक टीवी का अपना एक चैलेंज है, यू नो. तो टीवी में ट्रेन्स यू, आपको बहुत अच्छा मंजा हुआ, कम टाइम में बेस्ट एग्जीक्यूट करना सिखा देता है. दिस इज ऑल अबाउट टीवी. राधिका का स्टेटमेंट, यस, मैंने वो इंटरव्यू भी देखा था जब जैसे ही आउट हुआ था, तो मैंने वो देखा था और आई जस्ट स्माइल्ड. लेकिन बाद में फिर काफ़ी लोगों ने उस पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि बहुत गलत बात है ऐसे कमेंट करना. तो मैं इसे सही नहीं कहूँगी, लेकिन ये गलत भी नहीं है, क्योंकि राधिका ने टीवी में एंट्री टीवी से की, लेकिन सिर्फ एक ही शो किया है अपने लाइफ में. और फिर शी वॉज वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी इनफ टू मूव टू फिल्म्स, यू नो, आफ्टर हर फर्स्ट शो. एंड शी इज़ डूइंग वेरी गुड अमाउंट ऑफ वर्क एंड वेरी गुड क्वालिटी वर्क. तो शी इज़ वेरी मच ब्लेस्ड एंड शी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब. तो राधिका का ये कमेंट आई फील इज़, यू नो, इट्स अ लैक ऑफ एक्सपीरियंस. क्योंकि अगर वो ज़्यादा टीवी शोज करती और उसे टीवी इंडस्ट्री में या टेक्नीशियंस हो या को एक्टर्स हो या एज एन एक्टर उसे खुद को भी जो एक्सपीरियंस करना चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि पहला शो था, उसने पहली बार कैमरा फेस किया था. तो मैं, मुझे पता है काफ़ी बार इंसिडेंट ऐसे होते थे कि कुछ महीने निकल गए थे उसे लुक देने में. जैसे हम मास्टर शूट कर लेते हैं और फिर क्लोजेस देने होते हैं, तो क्लोजेस में कई बार सामने वाला एक्टर नहीं होता है, हमें सिर्फ एक एक लुक बनाना होता है कि अच्छा सामने, मेरे सामने वो इंसान खड़ा है और हमें अपना डायलॉग बोलना है. उससे वो नहीं होता था, वो सोचती कहाँ देखना है मुझे कहाँ, तो बोलते थे मैम आप इधर मेरे हाथ को देखिए, आप समझिए कि ये सामने वाला कैरेक्टर है और आप उससे बातें कर रहे हो. फिर वो कर लिया करती थी, फिर कहती थी अरे यार ये लोग कहते हैं कि थर्माकोल को देख लो, हाथ को देख लो, और फिर कहते हैं कि आप फील के साथ एक्टिंग नहीं करते हो. तो यू नो ऐसी थी वो, इतनी रॉ थी. मुझे हर इंसिडेंट याद है उसका. तो इसीलिए उसने जो ये कमेंट किया है ना कि यस, बहुत बार ऐसा होता था मेरी आशिकी में भी कि लास्ट मोमेंट स्क्रिप्ट आती थी और फिर और डेफिनेटली वो लीड्स हैं, उनको महीने के 30 दिन 29 दिन काम करते थे, थक जाते थे, यू नो, एंड दे हैव बैक टू बैक डायलॉग्स यार, और हर सीन में वो होते, तो इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल और एग्जॉस्ट हो जाते हूँ. तो ये ठीक है, लेकिन उसने एज एन एक्टर ज़्यादा काम किया होता टीवी में, तो उसे पता चलता है इस फील्ड के बारे में भी कि यहाँ पर भी कैसा काम होता है. अब वो फिल्म में जा चुकी है, तो डेफिनेटली वो पीछे पलट कर जब टीवी को देखती है तो सोचती है कि यहाँ हमें कोई, यू नो, स्कोप ही नहीं है एज एन एक्टर. बट दिस इज़ नॉट ट्रू. यू नो, एज एन एक्टर हमें कभी रोका नहीं जाता, डायरेक्टर्स हो या क्रिएटिव्स हो. एज एन एक्टर जो आपको कैरेक्टर दिया जाता है, आपको मौका दिया जाता है कि यू परफॉर्म, एक बार परफॉर्म करें, देखते हैं, अगर अच्छा लगता है विल गो अहेड विद दैट, अगर नहीं लगता तो डेफिनेटली डायरेक्टर है या क्रिएटिव्स है कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसे मत करिए. तो यहाँ पे भी मौका होता है, बट ये होता है कि फिल्मों के मुकाबले कम होता है. वर्कशॉप्स भी होती है, बट इनिशियली होती है, जब शो शुरू होने वाला आता है तब हम वर्कशॉप्स करते हैं. बट फिल्मों में आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है वर्क करने के लिए. बट अगेन मैं ये कहूँगी कि राधिका इज़ नॉट, यू नो, राइट, बट शी इज़ नॉट रॉन्ग, बिकॉज उसे एक्सपीरियंस नहीं था. और 2-3 शो करती तो शायद उसका ये कमेंट नहीं आता. यस, मैंने ये देखा है कि जितने भी एक्टर्स हैं जो टीवी से फिल्मों में अब जा चुके हैं, पंकज त्रिपाठी है, विक्रांत मस्से हैं, वरुण सोपती हैं, तो ये सब लोग टीवी इंडस्ट्री कर चुके हैं बहुत अच्छे समय के लिए और अब फिल्में कर रहे हैं. लेकिन मैंने ऐसे कुछ लोगों को भी देखा है जो फिल्मों में जाने के बाद में डेफिनेटली कमियां निकालते हैं टीवी इंडस्ट्री की. तो देखिए, मेरा तो ये मानना है कि कमियां और खूबियां तो हर जगह होती है, हर किसी में होती है. तो आई थिंक आपको अपने आप पे, अपने क्राफ्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. क्योंकि अगर एक कलाकार है तो वो सड़क पे भी खड़े रहकर कलाकारी करेगा तब भी लोग उसे पहचानेंगे, चाहे वो टीवी पर भी खड़े रहकर अपना क्या कहते हैं अपना कला का प्रदर्शन करे या फिल्मों में करे. लेकिन अच्छा कलाकार हर जगह नोटिस किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. आई एम वेरी सॉरी, बट ये कहावत हो जाती है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वैसा वाला हो जाता है कुछ लोगों के साथ में, जो एक जगह से तरक्की करके आगे जाने के बाद में उस जगह की खामियां निकालने लगते हैं. तो मैं ये चीज़ को एनकरेज नहीं करती, बिकॉज मैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है और मैं भी ये प्रैक्टिस करती हूँ कि हम जहाँ से आए हैं, और इनफैक्ट हमें तो वो लोग भी नहीं भूलने चाहिए जिन्होंने आपको शुरुआत में सपोर्ट किया हो. बिकॉज ये भी बहुत फॉर्चुनेट होने वाली बात है कि आपको शुरुआत में ही बहुत अच्छा ब्रेक मिल गया. तो मैं ये मानती हूँ कि जिसने आपको पहला ब्रेक दिया और आप, यू नो, आपको एक नाम दिया, आपको लोग जानने लगे, यू शुड ऑलवेज, यू नो, बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू दोज पीपल एंड टू दैट इंडस्ट्री, यू नो,
क्योंकि आपकी तरक्की हुई है वहाँ से, तो वो जब तक आपको बेस नहीं दिया गया होता तो आप तरक्की कैसे करते। सो आई थिंक दैट्स ऑल एंड गुड लक टू राधिका फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स।